नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके साथ पितृपक्ष से जुड़ी जानकारी साझा करूंगी, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर बैकुंठ चले जाते हैं। वह जिनके घर पुरुष नहीं है और किसी कारण महिलाएं भी गया जाकर पिंडदान नहीं कर सकती, तो वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं अगर गरीब या ब्राह्मण को दान कर दें तो पितर के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, संपत्ति व वंश में बढ़ोतरी होगी। पितृपक्ष में 11 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट व संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान कर सकती है। नंबर 1, दही। आप पितरों की तृप्ति के लिए दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा हुआ होता है, इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता रहे। नंबर 2 पे है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। सफ़ेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है, जिसे पाकर वे प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है। नंबर 4 पे आता है तेल। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन की समस्या दूर होती है। नमक। नंबर 5 में आता है नमक। पितृपक्ष में नमक का दान भी कर सकते हैं, इससे कुंडली में पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 6, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान भी कर सकते हैं। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। नंबर 7 पे आता है जूते और चप्पल का दान। जूते चप्पल का दान पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते चप्पल का दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 8 पे आता है वस्त्रदान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा हो उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्रदान में धोती, टोपी या गमछा दिया जाता है। कहते हैं पितृ अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना करते हैं। नंबर 9 पे आता है छाता दान। श्राद्ध कर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है।
नंबर 10 पे आता है धान्यदान। इसमें किसी अनाज जैसे दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। नंबर 11 पे आता है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वह व्यर्थ ही समझा जाता है। यहाँ दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि का दान कर सकते हैं। तो ये 11 चीज़ें हैं जो आप पितृपक्ष में दान करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1 पे आता है कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझिए वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। नंबर 2 पे गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा ले तो समझिए पितर आपसे प्रसन्न है। नंबर 3 पे कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। चींटी। नंबर 4 पे चींटी। यदि पितृपक्ष में चींटियों को भोजन डाला जाए और यदि वह उसे खा ले तो समझे आपका भोजन पितरों तक पहुंच गया। यदि ये 4 जीव आपका दिया भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो पितृपक्ष के दौरान समझिए आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।